योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि पतंजलि ने जिसे योग विद्या को सूत्रबद्ध करके सारे संसार के उपकार के लिए योग दर्शन के रूप में हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, उस महर्षि पतंजलि से लेकर के समस्त ऋषियों की योग की ज्ञान की परंपरा के प्रसाद को आधार बना करके हम लोग योग को सीख रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमको तो योग आता है, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा योगिक जोगिंग के कुछ योगिक व्यायाम भी आते हैं, कुछ आसन भी आते हैं, कुछ प्राणायाम भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आता है। योग इतना नहीं है। तो एक तो अपने मन में कभी भी ये नहीं रखना, किसी भी संदर्भ में, मात्र योग के संदर्भ में नहीं, हमें तो सब कुछ आता है, फिर आप सीखोगे क्या? ये योग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स के बारे में, धर्म अध्यात्म के बारे में, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस के बारे में, और बिजनेस के भी सैकड़ों शाखाएँ हैं। जो लोग दो दो तीन तीन ट्रिलियन कि इन्वेस्टमेंट फंड चलाते हैं, वो भी कहते हैं हम रोज़ सीखते हैं, और रोज़ कम से कम आठ आठ घंटा पढ़ाई करते हैं। कितना? दो तीन ट्रिलियन डॉलर, माने भारत की कुल अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर की मानते हैं, और पाँच ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। एक एक फंड जिसको फेडलिटी या कैपिटल आदि कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, उन सब से मैं मिल चुका हूँ, और वर्ल्ड के लगभग टॉप टेन फंड्स ने पतंजलि में इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे करने वाले। और वो भी कहते हैं हम रोज़ आठ आठ घंटा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हमने थोड़ा सा योगासन जान लिए, थोड़े आसन जान लिए, थोड़ा प्राणायाम जान लिए, हम कहते हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं। एक तो ये भ्रम कतई मत पालना। मैं देख रहा था जब हम योग सिखा रहे थे, बोलिए तो हम सबको आता है, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो एक बात हम जानते हैं, उस पर हमें गौरव होना चाहिए, लेकिन हमें और जानना है, इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए सब बड़े महापुरुष एक ही बात कहते हैं, हम जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहते हैं, वी आर फुल टाइम स्टूडेंट्स। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गौतम, कड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, सभी हमारे महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि ज्ञान तो अनंत है, और उसमें जो क्रियात्मक ज्ञान है वो तो बहुत थोड़ा होता है, उसके परे जो तत्व ज्ञान है और उससे भी बड़ा जो पारमार्थिक ज्ञान है वो तो और बड़ा होता चला जाता है। तो एक बात, ज्ञान में प्रमाद नहीं करना,
ज्ञानान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, ऐसा शास्त्र में भी आता है। और कब बताते हैं? जब स्नातक हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ज्ञानान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, सत्यान न प्रमदितव्यम, ऐसा। चलो, तो जब अपने बड़े गुरुओं के पास बैठें और जब वो सिखाएं, तो उसको और गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। जितना आपको ज्ञान होता जाएगा, उतना आपको प्रकाश होता जाएगा, उतना व्यक्तित्व बड़ा होता जाएगा। हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में प्रधान तत्व क्या है? ज्ञान। बीच में क्या है? हृदय। उसके आगे क्या है? हाथ। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी महिमा ज्ञान की है, फिर भक्ति की है, और ज्ञान और भक्ति पूर्वक फिर कर्म करना होता है। एक्शन विद नॉलेज, विद इमोशंस, विद परफेक्शन। आपके पास ज्ञान और भक्ति होगी तो ही कर्म में परफेक्शन आएगा, नहीं तो कर्म कैसा हो जाएगा? कर्म अकर्म हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन में हम जाएंगे। तो एक बात, तो आपको जो कुछ यहाँ सिखाएं उसको समग्रता से सीखो। एक शब्द में और दूसरा बोलता हूँ, प्रमाद तो नहीं करना, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। दैहिक प्रमाद, इंद्रिक प्रमाद, मानसिक प्रमाद, योग में प्रमाद, सेवा में प्रमाद, कर्म में प्रमाद, संबंधों में प्रमाद, धर्म के पालन करने में प्रमाद, वैयक्तिक जीवन में प्रमाद, सामाजिक जीवन में प्रमाद, राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र धर्म के पालन में प्रमाद, वैश्विक दृष्टि से युग धर्म में प्रमाद, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। एक बात, फिर दूसरा शब्द मैं कई बार बोलता हूँ, समग्रता। आज भी बोल रहा था, समग्रता, इंटीग्रेटेड योग। समग्रता में योग होना चाहिए। अब योग कितना बड़ा तत्व है, मैं पिछले करीब एक सप्ताह से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, जिनको वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, जिनको वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस कहते हैं, जिनको थिंक टैंक्स कहते हैं, जिनको पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, डिसीजन मेकर्स कहते हैं, सबके साथ मिलता हूँ। द होल पर्सन आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, Threats, challenges, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये दुनिया में ये बड़ी चुनौतियाँ हैं, ये समस्याएँ हैं, ये संघर्ष हैं, ये संकट। संकट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्राइसिस। समस्याओं को बोलते हैं प्रॉब्लम्स, चुनौतियों को बोलते हैं थ्रेट्स। चारों तरफ लोग थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस के बारे में क्राइंग क्राइंग कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। दे आर क्राइंग कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा संसार में। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स क्या हैं संसार की, जिनकी बहुत ज़्यादा समाज में चर्चा हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, अन्याय, शोषण, आर्थिक सामाजिक विषमता, ये तो बड़ी समस्या है। परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं, कर्म करो, नाम जपो, बनके छको। अब भक्ति युग के महाकवि और गुरु माने जाते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, वो भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि, राखा जो जस कर ही सो
तहि ही फल चाख। वेद भगवान कह रहे हैं कुर्विन्नव्यय कर्माणि जी जी विचे चतंग समा, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तुम कह रहा था आप और हम सबको मिलकर के पूरी दुनिया में एक बात को फैलाना है कि भाई सुबह सुबह योग करो और दिन भर जिसकी जैसी योग्यता, जिसके जैसा बौद्धिक सामर्थ्य, जिसको जैसा ज्ञान, जिसको जैसा अनुभव, जिसके पास जैसी जैसा स्किल, गांव की भाषा में जैसा नॉलेज, जैसा ज्ञान, जैसा हुनर, जैसी ताकत। अब जिसके वजन ही जिसका 30 किलो है, मैं कहूँ 100 किलो वजन उठा बेचारा मर जाएगा, कैसे होगा? अपने ज्ञान, अपनी ताकत, अपने कुशलता। अब मान लीजिए मुझे कपड़ा बुनना नहीं आता, मैं कहूँ मैं तो कपड़ा बुनूंगा, मैं पूरे देश और दुनिया का ताना बुनना बाना बुन सकता हूँ, लेकिन मुझे कपड़ा बुनना नहीं आता तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँ ना, या तो सीखूँ पहले फिर बुनूँ। मुझे जहाज बनाना नहीं आता, मुझे कंप्यूटर बनाना नहीं आता, मुझे बाहर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करते हैं वो नहीं आता, लेकिन मनुष्य का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मनुष्य का निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण आता है तो मैं उसको करने में लगा हूँ। जिसको जो करना आता है वो करे। मुझे योग आता है, मुझे आयुर्वेद आता है, मुझे जड़ी बूटियों के ज्ञान आता है, मुझे व्यक्ति का उपचार करना आता है, मुझे कैसे कोई बिजनेस को चलाना आता है वो आता है, मुझे योग के साथ उद्योग आता है, मुझे हेल्थ के बारे में नॉलेज है, मुझे एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, मुझे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, मुझे अपने क्षेत्र के अनुसंधान का भी नॉलेज है, मुझे इंसान को इंसान कैसे बनाया जाता है उसका नॉलेज है, मुझे सारी दुनिया को कैसे जोड़ना है उसका ज्ञान है, मुझे ये जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटा करके सारे मानवता को एक सूत्र में कैसे पिरोना है इसका ज्ञान है, अनुभव है, समझ है, तो मैं उस काम को करने में लगा हूँ। तो सब अपना अपना काम करें। तो क्या बोला, ये भावना कब आएगी? ये भावना योग करने से आएगी। आदमी का सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आदमी की सारी घृणा खत्म हो जाएगी, सारे संसार की समस्याएं, ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण के अलावा जो मूल समस्याएं हैं और क्या हैं संसार में? आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत है। सारे संसार की समस्या क्या है? संसार में हिंसा है, वायलेंस है, क्रुएल्टी है, खून खराबा है, युद्ध है, आपस में घृणा है, नफरत है, इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, क्रुएल्टी है, वार है, ये कैसे खत्म होगा? जब आदमी आदमी से प्रेम करेगा। और आदमी आदमी से कब प्रेम करेगा? जब अपना ही स्वरूप सब में देखेगा। ये योग के ही मार्ग हैं। कोई भक्ति कर रहा है, जो सच्चा बौद्ध है, जो सच्चा जैन है, जो सच्चा सिख है, जो सच्चा हिंदू या मुसलमान है, जो सच्चा ईसाई है, जो सच्चा इंसान है, वो किसी भी मार्ग से, ये थोड़े थोड़े प्राधान्यता से मार्ग भिन्न बोले जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग पर, कोई भक्ति मार्ग पर, कोई कर्मयोग के मार्ग पर, कोई किस मत पंथ में है, लेकिन सारे गुरु सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, आदमी को आदमी होना चाहिए और अपने जैसी आत्मा का सम्य दर्शन करना चाहिए और आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि, वेद में भी कहा आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो जो योग करेगा वो सब में अपने ही जैसे आत्मा का दर्शन करेगा। हम सब में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं, हम सब में एक परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए किसी से घृणा नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी का खून खराबा नहीं करना चाहते, किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। कोई करता है वो एक अलग बात है, फिर तो उसका जवाब देना पड़ेगा। कोई हमसे युद्ध करे, कोई हमको मारने पर आए, फिर तो आत्मरक्षा में कुछ तो करना पड़ेगा ना, सेल्फ डिफेंस में। तो योगी किसी से घृणा नहीं करता, वो यही अष्टांग योग है जो आपको सिखाते हैं। वो क्या करता है? अहिंसा का पालन करता है। योगी सत्य का पालन करता है, किसी से झूठ नहीं बोलता। योगी किसी की चोरी चकारी नहीं करता, अस्तेय का पालन करता है। योगी किसी से दुराचार अनाचार व्यभिचार नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। योगी छीना झपटी, योगी किसी भी प्रकार से बटोरने में विश्वास नहीं कर रखता कि चारों तरफ से सब कुछ संग्रह करके और
परिग्रह करके मैं ही सब कुछ बटोर लूँ, वो इसमें विश्वास नहीं करता, वो अपरिग्रह का पालन करता है। योगी जो है वो शौच संतोष में जीता है, शुचिता में जीता है, संतोष में जीता है। योगी तपस्या करता है, योगी अशुचिता में नहीं जीता, योगी असंतोष में नहीं जीता, योगी विलासिता में नहीं जीता, योगी आत्मविमुखता में नहीं जीता, योगी नास्तिकता में नहीं जीता। योगी किस में जीता है? शौच में, संतोष में, तपस्वाध्याय ईश्वर निधान में जीता है। यही क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आपसे कोई पूछे आप योग सिखा के क्या कर दोगे? बोले हम योग सिखा के सभी कुछ अच्छा करेंगे। सबसे पहली बात, इंसान के अंदर इंसानियत लेकर के आएंगे। जब कोई अष्टांग योग का पालन करेगा, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, आत्म संयम योग का, ये योग की शाखाएं हैं, ये योग के ही योग और योग मूलक सिद्धांत, योग मूलक साधन, योग मूलक मूल्य आदर्श हैं। एक शब्द जोड़ लो, योग और क्या बोला? योग मूलक साधन, सिद्धांत, आदर्श, योग मूलक मूल्य, योग मूलक मूल्य, योग मूलक सिद्धांत, योग मूलक आदर्श, योग मूलक साधन, योग मूलक साधना, इसमें सब कुछ आ गया। तो इसमें सब कुछ आ गया तो जो योग करेगा, जब सब योग करने लग जाएंगे तब ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म। योग करने लग जाएगा तो व्यक्ति प्रमाद करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? पुरुषार्थ। योगी क्या करेगा? प्रमाद को छोड़ के क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा, प्रमाद का त्याग करेगा। और जब पुरुषार्थ करेगा तो उसके जीवन में क्या आएगी? समृद्धि। गरीबी रहेगी क्या? सबको पुरुषार्थ करने का अवसर है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू का दाव लग गया तो दारू भी पी ली, भांग खड़ी हुई है उसी को रगड़ करके उसी का सुल्फा बना करके पी रहे हैं। हर गांव में 50 से लेकर के 100 से लेकर के 500 बच्चे ऐसे आवारा घूम रहे, नशा कर रहे, आपस में फिर झगड़ा करते हैं। फिर जवान बेटियां उसी गांव की, अपने ही पड़ोसियों की, अपने घर रिश्तेदारों की, जवान बेटियों के साथ में फिर गलत करने की सोचते हैं, साथ में मोबाइल और देख लेते हैं और उसमें उत्तेजक दृश्य, न्यूड फिल्म और गंदी फिल्में और देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं और उसको देख करके उनके भीतर उत्तेजना पैदा हो जाती है, काम वासना पैदा हो जाती है। फिर वो उम्र नहीं देखते छोटी छोटी बेटियों के साथ। फिर जिनके पति बाहर रहते हैं, कोई आर्मी में है, कोई फोर्स में है, कोई इधर उधर, कोई नौकरी पर, उनके घरों में घुस जाते हैं, विवाहित बेटियों के साथ गलत करने की सोचते हैं। तो कल एक बहुत बड़ा आदमी आया, बोले भाई क्या हाल है? बोले भाई बाकी तो ठीक है, गांव में पहरा देना पड़ रहा है। क्यों? बहु बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए। क्यों? गाँव में आवारा बच्चे ज़्यादा हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार इसलिए शादी नहीं हो रही, एक बेरोजगार दूसरे कमारे गमारे, ऐसे गमारे कमारे बेरोजगार बच्चे जब घूमेंगे तो देश में क्या होगा? फिर कहते हैं आंदोलन करो, इस सरकार के खिलाफ करो, उस सरकार के खिलाफ करो। अरे भैया अपना काम तो कर लो कुछ, कि ये सरकारों ने बेरोजगारी बढ़ा दी, सरकारें बेरोजगारी दूर करें अच्छी बात है, महंगाई दूर करें अच्छी बात है, लेकिन मैं तो एक बात बहुत बड़े अर्थ में देखता हूँ, सरकारें कभी भी पूर्ण रूप से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा का समाधान नहीं कर सकती। सरकारें कभी भी पूर्ण रूप से हिंसा नहीं रोक सकती। सरकारें पुलिस लगा सकती हैं, आर्मी लगा सकती हैं, कोई ज़्यादा ही कहेगा तो जेल में डाल सकती हैं, और कई बार अब फिर इतने लोग हो गए अपराध करने वाले तो जेलें छोटी पड़ जाएंगी, पुलिस भी कम पड़ जाएगी, उनको काबू करने के लिए फिर आर्मी बुलानी पड़ेगी, फिर गोलियां चलानी पड़ेंगी, फिर खून खराबा होगा, फिर गृह युद्ध होगा, ऐसे देश चलेगा? इसलिए मैं कहता हूँ जब सुबह सुबह उठ करके सब लोग योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे,
अपनी तंदुरुस्ती ठीक रखेंगे और साथ ही अपना मन भी अच्छा रखेंगे तो संसार के अंदर किसी भी प्रकार के ये उपद्रव नहीं होंगे, सब लोग सदाचार के मार्ग पर चले। अब योग किया, अब हमने योग किया, औरों को भी कराया, साथ में कर्म योग भी किया, उद्योग भी किया, मेहनत भी की, कई प्रकार की मेहनत की, मेहनत हमने खेत खलिहान में भी की, मेहनत एग्रीकल्चर में भी की, मेहनत इंडस्ट्री में भी की, मेहनत एजुकेशन में भी की, मेहनत व्यक्ति निर्माण में भी की, व्यक्ति हमने राष्ट्र निर्माण में भी की, अच्छा इंसान बने, अच्छा देश बने, तो कई दिशाओं से मेहनत की, तो हमने लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया। तो बेरोजगारी का समाधान क्या है? योग करो, कर्म योग करो, और जब ये करेंगे तो गरीबी भी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी तो आपस में मार धाड़ भी नहीं होगी। तो भाई समस्याएं जितनी हैं संसार में, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण दोष, दुर्बलता और सूक्ष्म दोष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर के दोष हैं। संसार में काम वासना बढ़ रही है। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कह नानक अपन तरे और न लेत उभार, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। अब काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, काम माने भोग वासना तृष्णा, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। ये स्कूल कॉलेज जाने से ठीक नहीं होता, वहाँ तो और ही बढ़ रहा है, स्कूल के लोगों में तो और ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है, क्रोध बढ़ा हुआ है, लोभ बढ़ा हुआ है, मोह बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है, ये कहाँ से ठीक होगा? इसके लिए कौन सा स्कूल है? इसके लिए ये योग का स्कूल है। ये काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काम बढ़ने से समाज में दुराचार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ने से समाज में मारकाट होगी, लोभ बढ़ने से समाज में भ्रष्टाचार और घोटाले होंगे, मोह बढ़ने से समाज के अंदर जो है कमजोरी आ जाएगी। मोह जिस आदमी में बढ़ता है, जिस समाज में बढ़ता है, वो समाज कमजोर हो जाता है, वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। बहादुरी, शौर्य, वीरता, पराक्रम खत्म हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ने से तो युद्ध ही हो जाते हैं। अहंकार बढ़ने से तो फिर आदमी जो है दूसरे को आदमी ही नहीं समझता। तो ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है? योग। इसलिए योग को खाली व्यायाम तक सीमित नहीं रखना, योग को खाली व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान तक सीमित नहीं रखना, योग को खाली उपचार तक सीमित नहीं रखना, ये तो सब काम होंगे ही। योग से फिजिकल फिटनेस रहेगी, लेकिन उससे बड़ी बात, योग से अपनी इंद्रियों पर काबू रहेगा, अपने मन पर काबू रहेगा, अपने आत्मा में आनंद रहेगा। इसलिए इस योग को इतने रूप में समझना। तो अब बात समझ में आई, योग इज नॉट मेरली अ फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज नॉट ओनली पोश्चर्स, योग इज नॉट ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योग इज नॉट ओनली अ हीलिंग प्रोसेस, योग इज नॉट ओनली सेल्फ हीलिंग और सेल्फलाइजेशन, द होल डिवाइन थिंग्स, सारी अच्छी चीजें योग में सन्निहित हैं। इतना इस रूप में योग को समझना। और आपको क्या करना है? योग को करना भी है, योग को कराना भी है। तीन शब्द लिखो, योग करना, क्या बोला? योग, योग कराना और योग को जीना। जीना कठिन है। बोले भाई शास्त्र में तो पढ़ा था क्रोध नहीं करना। बोले भाई अपने बस की बात नहीं, यहां तो सिर फूटेंगे। अरे बोले भाई अभी तो थोड़ी देर पहले सत्संग में बैठे थे, वहां तो चर्चा हो रही थी क्रोध नहीं करना। बोले यहां तो भाई सिर फूटेंगे, लठ बजेंगे,
थोड़ी देर में ज्ञान भूल जाता आदमी, ये बात ठीक नहीं है। अब आप संगठन में ही हो और यहीं लड़ाई झगड़े करने लगो तो फिर योग को जी कहाँ रहे हो आप ना। और ये उत्तर प्रदेश वाले, ये हरियाणा और पंजाब वाले, ये तो जब तक लट्ठम लट्ठा ना हो जाए तब तक इनको यही नहीं पता लगता कि हम हैं भी। इनको अपने होने का एहसास ही लट्ठम लट्ठा में रहता है। ऐसा मत करना। क्योंकि होने में ही जो आपस में जब तक थोड़ा शोरगुल सा ना हो तो इनको लगता ही नहीं कि हम बैठे ऐसे चुपचाप बैठे हो, तो लगता है भाई कहीं ऐसे कहीं किसी की श्रद्धांजलि सभा में तो नहीं आ गए ना। गुरुद्वारे में है गुरु गोविंद सिंह जी का शौर्य, बंदा बैरागी जी का शौर्य, हमारे गुरुओं की वीरता पराक्रम को छुपाए, लेकिन मजाल कोई गुरुद्वारे में चूं भी कर दे, गुरुद्वारे में ताली बजाना भी मना है, गुरुद्वारे में जोर से हंसना भी मना है, वहाँ आवाज़ भी जोर से केवल कीर्तन की आवाज़ हो सकती है और कोई आवाज़ नहीं होगी। तो जब हमारे सिख भाई शौर्य वीरता और पराक्रम की पराकाष्ठा में रहते हुए गुरुद्वारे में पूर्ण शांति से रह सकते हैं, तो ऐसे शांति से भी रहना सीखो, ये योग है। और जीवन में क्रांति भी होनी चाहिए, जहाँ क्रांति रहनी चाहिए वहाँ क्रांति करो ना। तो बात समझ में आई, आपको योग करना है, योग कराना है और योग को समग्रता में जानना है। योग को जानो, जानो फिर करो, फिर कराओ। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, योग को जानो, योग को करो, योग को कराओ और योग को जियो। लो इतनी बातें सिखाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। योग के साथ फिर आयुर्वेद भी सिखाते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा के बारे में आपको बताते हैं, खान पान के बारे में बताते हैं। योग तो एक जीवन पद्धति है, इसलिए जीवन पद्धति के बारे में बताते हैं। और योग तो जीवन का प्रयोजन है, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ अवर लाइफ इज योगा, द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ अवर लाइफ इज योगा, द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर लाइफ इज योगा, एंड द अल्टीमेट डेस्टिनी एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अवर लाइफ इज योगा। ये इतना बड़ा योग है।